दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय हेवन यूनिसेक्स सैलून सोलन। अगर आपके कान से खून बहता है या आपके कान में दर्द होती है तो तुरंत चिकित्सक को दिखाएं। कहीं आपको कोई कान से संबंधित गंभीर बीमारी तो नहीं। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग भी जागरूक कर रहा है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग 3 से 17 मार्च तक विश्व श्रवण दिवस मनाने जा रहा है। इस बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने स्टाफ को प्रतिज्ञा भी दिलाई है। यह स्टाफ लोगों को घर घर जाकर कान की बीमारियों के बारे में जागरूक करेगा। यदि किसी को कान से संबंधित कोई बीमारी है तो उन्हें अस्पताल में जांच के लिए बताएगा ताकि तुरंत इलाज किया जा सके। जिला भर में इस अभियान को सफल बनाने के लिए टीमें भी विभिन्न जगह तैनात कर दी गई हैं। या स्पाइनल टीबी हो गया या कोई एब्डोमिनल टीबी हो गया, अगर कोई सर्जन या कोई स्पेशलिस्ट जो है वो हमने सिर्फ 6 मंथ की ही उसको मेडिसिन दी, ऐसा नहीं। तो ये हमारे पास दो दो तरह के एफडीसीज हैं, एडल्ट एफडीसी और पीडियाट्रिक एफडीसीज। पीडियाट्रिक एफडीसी में जो है वो आर एच और जेड है, उसमें एथेम्बिट्रोल नहीं है क्योंकि एथेम्बिट्रोल जो है वो कई बार हम बच्चों को नहीं भी देना चाहते हैं, लेकिन हम उसको अलग से लूज डोज के रूप में देते हैं। डोज में आज 3 मार्च को हम वर्ल्ड हियरिंग डे मनाने जा रहे हैं, जिसमें कि आज हमने अपने स्टाफ के मेंबर्स को एक ओथ दी है कि लोगों को जागरूक करने के बारे में, ताकि वो लोग हेयरिंग जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों को, उसकी वजह से जो सुनने में दिक्कत हो रही है उसके ऊपर लोगों को जागरूक करेंगे। और जो लोगों को प्रॉब्लम है, जिनको भी, उन लोगों को हॉस्पिटल्स में आने के लिए मोटिवेट करेंगे ताकि वो लोग हॉस्पिटल्स में आकर अपना चेकअप करा सकें और जो कोई प्रॉब्लम अगर निकलती है तो उसका इलाज करवा सकें। जैसा कि देखने में आ रहा है, आजकल जो बच्चे जो पैदा हो रहे हैं उनमें हियरिंग्स की बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और ये इंक्रीज़ होता जा रहा है। जैसे जैसे कि हमारा नॉइज़ पोल्यूशन बढ़ रहा है, उसकी वजह से ये चीज़ें भी इंक्रीज़ हो रही हैं। और कुछ ऐसा है जो वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी बच्चों में जो सुनने की कमी रहती है। तो इन चीज़ों को सबको देखते हुए एक हमारा अवेयरनेस अभियान चलाया जा रहा है, जो 3 मार्च से लेकर 17 मार्च तक चलेगा। उसके तहत हम लोगों को इसके बारे में जागरूक करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिनको लेकर कि हम आगे सचेत रहें और हम लोगों को जागरूक करते रहें। और लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो लोग अगर किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं तो वो आएं हॉस्पिटल, नियरेस्ट हॉस्पिटल में अपना चेकअप कराएं और जो इलाज हो सकता है उसका इलाज करवाएं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सोलन से आदित्य सोफत की रिपोर्ट। भागदौड़ भरी इस जिंदगी में कौन खूबसूरत नहीं दिखना चाहेगा। आपकी खूबसूरती और युवा दिखने की चाहत को बरकरार रखने के लिए अब हेवन यूनिसेक्स सैलून ग्रुप आपके अपने शहर सोलन और कुल्लू में अत्याधुनिक उपकरणों व ब्रांडेड सौंदर्य प्रसाधनों से लवरेज। हेवन यूनिसेक्स सैलून ग्रुप तेजी से उभरता वो नाम है जो बेहतरीन सर्विसेज और गुणवत्ता के लिए एक अलग पहचान बना रहा है। हेवन्स ग्रुप के प्रबंध निदेशक जितेंद्र ठाकुर बताते हैं कि हमारे यहाँ ब्राइडल, ग्रूम्स, मेकअप के साथ साथ हेयर कट, ट्रिमिंग, शेविंग, हेयर स्पा, फेशियल, वैक्सिंग, ब्लीच व हर तरह का क्लीनअप इत्यादि सभी प्रकार के सौंदर्य ट्रीटमेंट किए जाते हैं। तो जवान जवान दिखने के लिए आज ही चले आइए अपने नजदीकी हेवन यूनिसेक्स सैलून।